हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हेडेक के बारे में। हेडेक मतलब सरदर्द। सरदर्द क्यों होता है, किस कारणों की वजह से होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हेडेक को बेसिकली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टेंशन हेडेक, माइग्रेन, क्लस्टर, साइनस, हाइपरटेंशन और TMJ हेडेक। टेंशन हेडेक क्यों होता है? टेंशन की वजह से हो गया, स्ट्रेस की वजह से हो गया, डिप्रेशन में है बंदा उसकी वजह से हो सकता है, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं हुआ, सोए ठीक से नहीं उसकी वजह से हो सकता है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं है पूरी उसकी वजह से हो सकता है, मतलब पानी ठीक से नहीं पी रहे, पोस्चर बैड है आपका, एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया फिर ज्यादा थक गए उसकी वजह से हो सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? मसाज के थ्रू। आइस पैक लगाइए ठंडा वहां पे जहां दर्द हो रहा है वहां पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए और पोस्चर ठीक कीजिए, खाना अच्छा खाइए। माइग्रेन में आपके हाफ आधे चेहरे में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, सर से लेके जॉ तक। ये क्यों होता है? रीजन किसी भी स्मेल, चॉकलेट खाने की वजह से किसी को होता है, किसी को लाइट की वजह से होता है, किसी को प्रॉपर स्लीप की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले धीरे धीरे दर्द होगा, फिर इसके धीरे धीरे करके बहुत तेज दर्द होने लगता है। आप चाहते हैं कि मैं सबसे हट जाऊं, सब दुनिया से हट, दूर होकर एक कोने में जाके सो जाओ, शांत जगह चाहिए आपको, बिल्कुल आप रिलीफ पाना चाहते हैं इसकी वजह से। और आप इसको मतलब कैसे ठीक कर सकते हैं? आप अपना वेट लॉस कीजिए, प्रॉपर डाइट कीजिए, एक्सरसाइज डेली कीजिए। अगर ये सब चीजें फिर भी इस चीज करने के बाद फिर भी दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्लस्टर हेडेक में आपको एक आई के अराउंड पेन स्टार्ट होगा और उस आंख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग नोज होगी और रेड आई, आंख लाल हो जाएगी और आप बहुत बेचैन फील करेंगे और धीरे धीरे करके आपके सर तक दर्द पहुंच जाएगा। तो इसलिए अगर आपको उसको ठीक करना है तो ये चीजें पहले अप्लाई कीजिए, मसाज कराइए, डाइट प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए। और अगर ये सब ठीक ना, एक्यूपंचर गुड थिंग है, आप जा सकते हो ताकि सर में दर्द कम हो। और इन सब चीज से भी नहीं होता तो गो टू द डॉक्टर। साइनस हेडेक में आपके नोज के अराउंड आपको पेन महसूस होता है, इसके रीजन क्या, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन होता है और इसकी वजह से आपको फीवर होगा, आपको खांसी होगी, आपको जुखाम होगा, आपको प्रॉपर ब्रीथ लेने में दिक्कत होगी। सो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, आप स्टीम लीजिए, इनहेलर लीजिए और एंटी एलर्जिक ड्रग लीजिए और आप अपने फिंगर से आप अपने बोन को प्रेस कीजिए जहां पे आप जैसे चिक के अराउंड या फिर आपको फ्रंटल आंख के अराउंड आपको दबाइए तो वो वहां से नेजल डिस्चार्ज आपके माउथ में जाएगा। TMJ हेडेक, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट हेडेक, जो हमारे जबड़ों में दर्द होता है, जबड़ों की वजह से सर में दर्द, नेक में दर्द और कानों में भी दर्द पहुंच जाता है। और इसको कैसे कम कर सकते हैं, आप हार्ड फूड कम खाइए और अपने चिन के बल मत सोइए और नाखूनों को कम खाइए। और अगर आपको ज्यादा ही पेन हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए और वहां से मेडिसिन ले लीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।